हाँ जी दोस्तों, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कितने दिन हमने, 4-5 वीडियो में हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ा। उसमें कहाँ से क्या क्या मिला है वो सब हमने देखा। कहाँ पर सभ्यताएं थी, कहाँ पर क्या था, कहाँ से मिले, जो भी है वो हमने उन वीडियो में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान में, जो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें जो रियासतें हुई उनका इतिहास पढ़ेंगे। विभिन्न वंश हुए, उन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटा परिचय, राजस्थान शब्द कहाँ से आया, राजस्थान के बारे में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब जो आपको ध्यान होनी चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द इसका प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ अभिलेख बसंतगढ़ के बारे में हमने पहले पढ़ा था। बसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है। बसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है, जहां पर कौन सा शब्द मिला मिलता है, राजस्थानी आदित्य। राजस्थान शब्द यहाँ से प्रथम बार मिलता है ये बसंतगढ़ अभिलेख से। बसंतगढ़ अभिलेख जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये चावड़ा वंश की राजधानी, चावड़ा वंश का यहाँ से उल्लेख मिलता है। और भीनमाल के बारे में हम पढ़ रहे थे और इससे आगे, इसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज था, जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए, राजस्थान वाले भूभाग के लिए, राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आधुनिक काल में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो पहले बसंतगढ़ अभिलेख में हमें राजस्थानी आदित्य किसी व्यक्ति का नाम था, न कि स्थान का। उसके बाद में 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने रायथान या राजस्थान शब्द का रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। ये था 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा इस भूभाग के लिए राजपूताना, और 1829 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण के लिए, चलिए राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के एकीकरण में दूसरे चरण में राजस्थान संघ नाम दिया गया। तो चलिए ये भी है, राजस्थान के एकीकरण में दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग, दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग, चलिए ठीक है। फिर दूसरा चरण कब हुआ था आप बता सकते हैं? दूसरा चरण बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को। चलिए उसके बाद में राजस्थान
नाम कब रखा गया? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को। ये राजस्थान के एकीकरण का छठवां चरण था। 20 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम, राजस्थान नामकरण नामकरण किया गया। सर्वसम्मति से राजस्थान नामकरण किया गया। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से एकीकरण में और सब जगह राजस्थान नाम आ गया था। तो दूसरे चरण में नाम आ गया था, फिर छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 को जब अपना भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन से राजस्थान नाम रखा गया इसका। ये छठवां चरण था। फिर उसके बाद में बसंतगढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख आपको बताया था अभी। बसंतगढ़ अभिलेख पहले भी हमने देखा था। बसंतगढ़ अभिलेख जहां से राजस्थान का प्राचीनतम नाम, मतलब प्राचीनतम उल्लेख वहां मिलता है। बसंतगढ़ अभिलेख ये मिला कहाँ से है? सिरोही में पड़ता है ये मिला है। यहाँ पे एक मंदिर है, इमेल माता या छेमकारी माता, छेमकारी माता मंदिर से, छेमकारी माता मंदिर से ये मिला है। और ये बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? 625 ईस्वी का है। 625 ईस्वी खिमियल माता या छेमकारी माता मंदिर के मिला है, छेमकारी माता मंदिर से मिला है। और यहाँ से पहले भी हमने देखा था, यहाँ से राजिल, जो चावड़ा वंश का राजा था वर्मलात, उसके एक सामंत राजिल, उसके पिता सत्याश्रय के बारे में जानकारी मिलती है, जो ये राजिल और सत्याश्रय को अर्बुद देश का राजा बताया गया। अर्बुद देश जो आबू के आसपास का क्षेत्र है, अर्बुद देश का राजा सत्याश्रय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से। चलिए, और ये जो राजिल है, ये राजिल चावड़ा वंश के राजा, वर्मलात, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आज फिर से बता रहा हूं। वर्मलात का सामंत था, वर्मलात का सामंत था चावड़ा वंश का। जैसे कि हम और इतिहास आगे पढ़ेंगे तो उसमें चावड़ा वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे इसके बारे में, पहले भी हमने देखा था इसके बारे में। चलिए, राजस्थान का एकीकरण, और ये बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी, हिमेल माता का मंदिर, छेमकारी माता और राजिल व उसके पिता सत्याश्रय, जो अर्बुद देश का राजा भी कहा जाता है, राजिल चावड़ा वंश के राजा वर्मलात का सामंत था। तो ये है, लिख लीजिए भले आप, या फिर स्क्रीनशॉट। तो थोड़ा देखते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में, जिसने राजपूताना शब्द 1800 में प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस ये मराठों का बाड़ाई थी सेनापति था। जब ये मराठों का बाड़ाई थी सेनापति था। इसका एक और नाम था, इसका नाम जॉर्ज था, तो इसे जाज फिरंगी
मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण जॉर्ज को लोग जाज बोलने लग गए, जॉर्ज को जाज। और फिरंगी अपने यहाँ सब अंग्रेज जो मतलब फॉरेन से होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनको फिरंगी कहते हैं। तो ये मुख सुख की प्रवृत्ति जाज फिरंगी, इसे जाज फिरंगी भी कहा जाता था। इसने राजस्थान में बीकानेर, जयपुर और उदयपुर पर आक्रमण किया था। मराठों के कहने पर इसने किया था, जयपुर और उदयपुर पर आक्रमण किया था। इसने हरियाणा में हांसी नामक स्थान पर किला बनवाया, ठीक है। और इसकी इसकी जो जीवनी है वो जॉर्ज जॉर्ज थॉमस की जीवनी, इसकी जीवनी जीवनी विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। उसकी बुक का नाम क्या था, विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम, बुक थी मिलिट्री मेमोरीज, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब लिखी गई, 1805 ईस्वी में। तो ये था जॉर्ज थॉमस, मराठों का बड़ा सेनापति। इसे जॉर्ज फिरंगी भी कहा जाता था। बीकानेर, जयपुर और उदयपुर इसका आक्रमण किया। हरियाणा के हांसी नामक स्थान पर इसने अपना किला भी बनवाया था, क्योंकि ये समय शून्य काल का समय था। यहाँ पर हर कोई आके कहीं भी कुछ भी कोई भी राज कर सकता था। इसके पास थोड़ी बहुत सेना थी, इसने सोचा मैं भी किला बना लेता हूँ, अपनी रियासत बना लेता हूँ। लेकिन किला विला बनवाने के बाद थोड़े टाइम बाद में इसकी मौत हो गई। इसकी जीवनी लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने, और इसकी बुक का नाम, विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में लिखी गई थी। जॉर्ज थॉमस के बाद में कर्नल जेम्स टॉड, जेम्स टॉड के बारे में देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। ये लिख सकते हैं राजस्थान के इतिहास का पितामह। इतिहास, राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। जब 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, और निर्णायक युद्ध में अंग्रेज जीत गए और मराठे अंतिम रूप से मराठे निर्णायक रूप से हार गए, तब अंग्रेजों ने उनको पूछा होगा भाई तुम्हारा राज कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी है। फिर राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड उस समय पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था, पश्चिमी राजस्थान के राज स्टेट में, मतलब ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया। पश्चिमी राजपूताना, पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट।
पश्चिमी राजपूत का पॉलिटिकल एजेंट बनकर, पॉलिटिकल एजेंट बनकर ये राजस्थान आया, और फिर यहाँ आकर उसने बुक्स लिखी। तो इसकी बुक्स का नाम है, बुक का नाम है, बुक का नाम लिखिए आप, एनल्स, एनल्स, एनल्स एंड एंटीक्विटी, एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है द सेंट्रल, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं इसको, और पश्चिमी राजपूतों में रियासत का ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। फिर इसने यहाँ पे राजपूताना भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, बहुत अच्छी जानकारी भी लिखी है इसने, कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लोगों से सुनकर भी लिखा। फिर इसकी बुक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसकी एक और बुक है जिसका नाम है, एक और बुक है, बुक, एक दूसरी बुक भी है इसकी, जिसका नाम है ट्रेवल्स, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया। तो ये है कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, तो ये इसकी बुक्स हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसकी बुक्स कौन कौन सी थी। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ये पॉलिटिकल एजेंट था, अंग्रेज अधिकारी था, और राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं इसको, और पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था, और इसकी बुक का नाम एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, और बुक, इसी बुक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसकी दूसरी एक और बुक थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये था अपने कर्नल जेम्स स्टुअर्ट के बारे में। अब हम आगे देखेंगे विभिन्न राजवंशों का इतिहास।